हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले आप लोगों को हार्दिक बधाई जिनका दोस्तों रेलवे में 2023 में नौकरी लग चुकी है। दोस्तों ये वीडियो आज उनके लिए काफी खास होने वाला है जिनका रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताने वाला है आपको कि जो ट्रैक मेंटेनर का जो ड्यूटी होता है कितना बजे से स्टार्ट होता है और कितना बजे लंच होता है और आपको कितना देर तक शाम तक आपको काम करना पड़ता है। पूरा आपको वर्किंग शेड्यूल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ट्रैक मेंटेनर का ड्यूटी होता है दोस्तों काफी थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इनको धूप में काम करना पड़ता है और प्लस में काम भी ऐसा करना पड़ता है जो कि बहुत उल्टा पलटा काम होता है। ठीक है, तो आपको हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि कौन सा काम आपको अच्छे से करना है और कौन सा काम आपको अच्छे से नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर ये ज्यादा अच्छाई दिखाते हैं ना तो आपसे और करवाया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या है कि ज्यादा अच्छा नहीं बनना है अपने जो भी जेई होंगे, जो भी मेट होंगे उनके सामने। ठीक है, नहीं तो अच्छा आप कीजिएगा तो अच्छा और आपसे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको अच्छा काम करने से ज्यादा कुछ होने वाला है फायदा। ठीक है, इसीलिए आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा काम अच्छे से करना है और कौन सा काम अच्छे से नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने से पहले दोस्तों हम ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर के रूप में काम कर चुके हैं। ये चीजें दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए दोस्तों, काफी वीडियो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो एग्जाम से रिलेटेड लाते रहूंगा और किस प्रकार से आपको आगे प्रमोट होना है, आपको प्रमोशन पाना है, बड़े पोस्ट पे जाना है, सारा वीडियो जो है गाइडेंस वाला वीडियो हमारे चैनल पे आता रहेगा। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। आइए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों इस पोस्ट के बारे में कि आपको इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या है कि देखिए, ट्रैक मेंटेनर एक ऐसा पोस्ट है कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का काम करवाया जा सकता है, मतलब ऑलराउंडर माना जाता है इन्हें। आपको अगर ये ऐसे सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले को जरूरत पड़ेगा तो आप ही को बुलाएंगे। अगर जब मान लीजिए कहीं भी कुछ स्टेशन के अगल बगल साफ सफाई करवानी है, कुछ मतलब स्पेशल हो रहा है तो आपको ही बुलाया जाएगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में होते हैं ये। ठीक है, आप लोग का जो ड्यूटी होता है ग्रुप में लगती है, आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है ज्यादातर लोग गैंग ड्यूटी में रहेंगे। ठीक है, गैंग ड्यूटी में रहेंगे। गैंग ड्यूटी में रहने का कुछ कुछ फायदा भी है दोस्तों, कुछ कुछ नुकसान भी है जो कि हम वीडियो में चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो इनको दोस्तों क्या है कि कहीं भी मान लीजिए वेल्डर को जरूरत पड़ा तो आपके सुपरवाइजर को बोला जाएगा, आपके जेई को बोला जाएगा कि हमें इतना आदमी की जरूरत है, आपको वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर किसी को हेल्प करना है तो आप ही को भेजा जाएगा। मान लीजिए आपके आपके जो है रेंज में मशीन काम करने गई है, ट्रैक मशीन काम करने गई है, तो वहां पर अगर जो कोई काम होगा, स्टाफ की कमी होती है तो आपको वहां पर बुला लेंगे काम करने के लिए, आपको सुपरवाइजर को बोल के, आपके जेई को बोल के। तो आपका जेई जहां बोलेगा वहां तो आपको जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ट्रैक मेंटेनर का जो है ना, लोग बहुत मतलब फायदा उठाते हैं, बहुत आपको काम करना पड़ता है। और अगर ये सब कोई काम नहीं है तो आपको क्या है, क्या करवाया जाएगा, आपको ट्रैक से रिलेटेड काम रहेगा। ठीक है, आप देखते होंगे ट्रैक में आपका रबड़ पैड लगा होता है, लाइनर लगा होता है, ठीक है, आपका उसमें पेंडुलम क्लिप लगा होता है, तो वो सब आपको चेक करना होता है समय समय पर। प्लस में बहुत सारे जगह पे ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे क्लैंप लगे होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट्स होते हैं तो उसको आपको क्या है कि चेक करना होता है, उसको टाइट करना पड़ता है, ये सब काम होते हैं दोस्तों। प्लस में मान लीजिए कि अगर जो ट्रैक के बगल में जो है आपका घास वास निकल जाता है फालतू रूप में, चाहे ट्रैक के बीच में दो लाइन है और उसके बीच में मान लीजिए एक लाइन इधर गया एक लाइन इधर गया, तो बीच में गैप होता है, तो उसमें अगर ये बड़े बड़े घास निकल जाते हैं उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में दोस्तों ट्रैक के बगल में क्या है कि कभी कभी बड़े बड़े पेड़ क्या होता है कि बड़ा बड़ा होके वही चीज होता है उसमें टच करने लगता है। एक्चुअली में जो काम होता है दोस्तों असिस्टेंट टीआरडी वालों का होता है, क्योंकि उन्हीं का डिपार्टमेंट है वो, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा जब पेड़ हो जाता है तब आते हैं वो लोग, बाकी जो काम है दोस्तों अगर जे तो आप ही को करना पड़ेगा वो चीज। तो ये ट्रैक मेंटेनर से ही पेड़ वेड़ कटवाने का काम, घास उखड़वाने का काम, ठीक है, सारा ये काम ट्रैक मेंटेनर से करवाया जाता है। तो इसीलिए कोई दोस्तों इसमें नहीं जाना चाहता है, बहुत उल्टा पुल्टा काम करना पड़ता है आपको। प्लस में आपका एसी जो होता है स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, उसको आपको देख रेख करना है। प्लस में आपके रेंज में अगर जो ब्रिज आता है, ठीक है, तो ब्रिज में भी कोई ब्रिज ऐसा होता है जिसको क्या है, जैसे कि जो लोहे वाला ब्रिज होता है आप देखे होंगे अंग्रेजों का जमाना वाला ब्रिज, ठीक है, या अभी भी लोहे वाले ब्रिज बनाए जाते हैं,
तो उसमें भी क्या है कि आपको बहुत सारा नट बोल्ट का मैकेनिज्म लगा होता है, उसको भी आपको हफ्ता में एक दिन, महीने में एक दो दिन देखना पड़ता है आपके सुपरवाइजर के ऑर्डर से, आपके जेई एसएससी के ऑर्डर से, ठीक है। और आपके साथ में जो काम करवाने वाला आता है आपका मेट होता है। अगर जी कोई बड़ा काम होगा तो आपके साथ जेई होगा, और कोई मान लीजिए छोटा मोटा काम है तो मेट तो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो भी एक गैंग जो होता है उसका ग्रुप होता है वो, ठीक है। और ग्रुप का सबसे हेड होता है आपका मेट, तो मेट आपका कुछ काम करने वाला नहीं है, आपको सिर्फ बोलेगा कि करो करो करो, मतलब हमेशा आपको माइंड चढ़े रहेगा आपके ऊपर। अगर जो वो काम नहीं करवाता है तो उसके ऊपर चढ़े रहेंगे जेई, फिर उसके ऊपर एसएससी, तो इसी टाइप का आपका काम चलता है इसमें, एक के ऊपर एक आदमी चढ़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपको काम कैसे करना है ताकि कोई कुछ बोले भी ना और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है दोस्तों, जोश में आके कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, फिर वैसे आप कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, क्योंकि आप वहां पर क्यों गए हैं काम करने के लिए, वही काम ही है उसका, ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक के अगल बगल ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम है आपका सारा चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों ये जानते हैं कि आपको काम कैसे करना है वहां पे। तो दोस्तों क्या है कि देखिए, प्लस में ये भी आपको काम करना पड़ता है, कहीं भी देखे होंगे आप कि ट्रैक के बगल में ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है नाला, जिसे कि बरसात का पानी वानी जाने के लिए बनाया जाता है ताकि ट्रैक पे पानी ना जमा हो, ठीक है। जहां पे ज्यादा पहाड़ी वहाड़ी क्षेत्र होता है, ज्यादा ऊंचा नीचा क्षेत्र होता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज। तो वो भी उसमें भी दोस्तों अगर ये घास वास कुछ भी निकल जाता है तो उसको भी आपको पूरा क्लीन करना पड़ता है मानसून से पहले, ठीक है। ये सब काम होता है ट्रैक मेंटेनर का। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन सा काम आपको अच्छे से करना है, कौन सा काम आपको अच्छे से नहीं करना है, ठीक है। प्लस में क्या है दोस्तों, आपको सबसे मना के रखना है, ये नहीं कि किसी से झगड़ना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, जो काम क्या है ना, इमरजेंसी है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपका ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भेजा गया कि आप ज्वाइंट चेक करो जाके, ठीक है। चाहे कोई चीज मान लीजिए आप जो कोई चीज मतलब ट्रैक से रिलेटेड जिस पर ट्रेन चलती है, उस काम को अगर जो आपको करना है, मतलब इमरजेंसी टाइप का जो वर्क होता है उस काम को आपको ध्यान से करना है। आप ये मन में सोच लीजिए कि जिस काम से अगर ये ट्रेन को नुकसान होता है, और ट्रेन को नुकसान से किसका, पैसेंजर का नुकसान होगा, अगर ये ट्रेन डीरेल होता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर जो वो काम आपको मिलता है दोस्तों, तो वो काम को आपको अच्छे से करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है इंसानियत के नाते, ठीक है, मानवता के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए जो काम, जैसे कि ट्रैक के बगल में घास है उसको उखाड़ने के लिए आपको लगा दिया जाता है, तो वो काम को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आपके बोलेंगे बोलने वाले कि नहीं अच्छा से करो, ये दिख रहा है, मतलब चिकना करो, पूरा खलिहान बनाओ, ऐसे बोला जाएगा आपको। लेकिन उन लोग कुछ नहीं जवाब देना है, आपको जैसे आता है वैसे करना है आराम से। आपको क्या है कि जितना होता है आपसे उतना करना है, मतलब उस काम में क्या है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो काम को अच्छे से करना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप थोड़ी मोड़ी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, लास्ट में हम टाइमिंग की भी चर्चा करेंगे कि टाइमिंग कितना से कितना बजे तक काम होता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यही सब आपको काम करना पड़ेगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि कौन सा काम आपको अच्छे से करना है, कौन सा काम आपको अच्छे से नहीं करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों आइए जानते हैं, आपको ये हम बताते हैं कि इसमें टाइमिंग क्या होता है ड्यूटी का। तो हमारे जो साउथ सेंट्रल रेलवे में था दोस्तों, पूरा इंडिया रेलवे में लगभग वही रूल फॉलो होता है, जो समर सीजन में जो टाइमिंग था वो 6:30 था, ठीक है। आपको 6:30 बजे क्या है कि टाइमिंग था, 6:30 बजे आपको क्या है कि मस्टर में साइन करके, मस्टर जो रजिस्टर होता है उसमें साइन करके आपको ड्यूटी में हाजिर हो जाना है सब लोगों को, ये नियम है, ठीक है। अब ये 6:30 बजे जो है ना, इसका आधा घंटा आगे भी हो सकता है, 7 बजे तक होते हैं लोग, नहीं जानते हैं आपको कि एकदम आइडियल फॉलो नहीं होता है। तो आप मान के चलिए सर, नियम होता है 6:30 बजे का, आपको ध्यान में रखना है। अगर जी आप 6:30 बजे नहीं पहुंचते हैं, 7 बजे पहुंचते हैं, अगर जो आपका सीनियर वहां पर पहले से हाजिर होता है, अगर जो आपको कुछ बोलता है तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ये आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। आपको नियम के अनुसार कहीं रहिएगा तभी किसी से बात भी कर सकते हैं, आप बहस भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बहस में पढ़ना नहीं है, वैसा कुछ होता नहीं है ज्यादा। और देखिए कोई कोई क्या होता है ना कि जेई जो होते हैं, चाहे जो आपका मेट होगा जो काम करवाएगा आपसे, कभी कभी लोग ना खून चूसने वाले आ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ना कि धूप में इतना काम करवाएंगे कि खून चूसा जाएगा। ये दोस्तों इंसानियत के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो आपका जेई कैसा है, आपका मेट कैसा है, ठीक है। जो स्मार्ट काम करवाने वाले होंगे ना स्मार्ट, वो काम भी करवा लेंगे आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो काम भी हो जाएगा। तो कोई कोई अच्छे होते हैं, अच्छा कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए
कि आपको हम बताएं कि 6:30 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होगा, आप मान लीजिए 7 बजे, 7 ही बजे जाता है, हम लोग 7 ही बजे जाते थे, ठीक है, कभी कभी 7:30 भी बज जाता था, तो ऐसा होता है, ये आपको मान के चलना है, एकदम आइडियल नहीं आपको चलना है, बस नियम होता है 6:30 बजे। इसके बाद दोस्तों 11:30 बजे आपका लंच होता है। आप दोस्तों इधर वाला में तो नियम फॉलो नहीं किए, लेकिन उसमें एकदम आपको नियम फॉलो करना है, 11:30 बजे के बाद आपको ड्यूटी, आपको लंच हो जाता है, ठीक है, ये गर्मी के दिन में 11:30 बजे लंच हो गया आपका। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी काम चल रहा है तो आपका ज़्यादा भी हो सकता है, आधा घंटा 11:30 बजे के बाद ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप मान लीजिए कोई घास वास ड्रेनेज वाला काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 11:30 बजे एकदम छोड़ देना है, ठीक है। अब छोड़ना भी कब है वो आपके मेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो काम करवाने वाला, अगर जो वो बोलता है कि हाँ तुम लोग थोड़ा मोड़ा जो काम बच रहा है उसको कर दो, आपको सेकेंड टाइम नहीं आना पड़ेगा। और जो सेकेंड टाइम का जो टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका 2 बजे से होता है, ठीक है, 2 बजे से स्टार्ट होता है, 2 से 2:15 होता है, लेकिन 2 ही मान के चलिए, ठीक है, तो 2:30 बजे तक लोग पहुंचते हैं, 2 से 2:30 के बीच में, तो वहां तक, वहां क्या है दोस्तों आपको जाना पड़ेगा, और फिर 5 बजे आपका टाइमिंग खत्म होता है ड्यूटी का, ठीक है, और जो गर्मी के दिन में 4:30 बजे खत्म हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ठंडा के दिन में जो है दोस्तों विंटर सीजन में आपका जो हम 6:30 बजे बताएं वो 7 बजे स्टार्ट होता है, आधा घंटा मतलब वो कर दिया जाता है, ये आपको टाइमिंग ध्यान में आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है। अब दोस्तों क्या है कि आपका अगर जो मेट अच्छा होगा तो आपको क्या, आप लोग क्या बोलेगा कि काम कर दो जल्दी जल्दी और रूम चले जाओ, जब मतलब ये सब काम होगा घास वास उखाड़ने वाला, ये सब कुछ भी मान लीजिए ये सब काम होगा तो वो बोलेगा कि चले जाओ, अच्छा होगा तब, और नहीं तो जो जो ज़्यादा डरपोक होगा, ठीक है, वो डरेगा कि नहीं इधर ही रुको, वो सर का बोला है नहीं जाने का, ऐसे वैसे खूब बोलेगा, तो आपको क्या है कि भेज दिया जाएगा। तो आपका देखिए आप काम भी किए ज़्यादा नहीं, आदमी मान लीजिए 6:30 मतलब जाते जाते क्या है कि 8-9 बजे 8 बज ही जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए 8:30 बजे से आप स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेशन पे जहाँ पे साइन होता है ना वहाँ पे 6:30-7 बजे पहुँचना है, फिर आपको काम पता चलता है, काम बताता है मेट की कहाँ काम करने जाना है, उसके अनुसार आपको सामान उठाना है कि क्या काम है, क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हर गैंग में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स में सारे सामान को रखा जाता है, और उसी बॉक्स में से आपको ज़रूरत के अनुसार सामान को उठाना है, और वर्क स्पॉट पर आपको 8 से 8:30 बजे तक पहुंच जाना है। वो ये डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है, वहां पर आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको मेट बोलता है, अगर ये स्मार्ट मेट होगा तो आपको एक ही बेरा में काम करवा के छोड़ देगा, फिर वो क्या बोलेगा कि मैं कुछ इमरजेंसी होगा तो आप लोग के पास मैं कॉल करूंगा, आप आ जाइएगा, ये बोल के छोड़ देगा आपको, और फिर आप आराम से रहते हैं रूम में जाके, कोई टेंशन नहीं, पढ़िए लिखिए, ठीक है, सोइए आराम कीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जेई कैसा है और आपका मेट कैसा है, नहीं तो खून चूसने वाला आ जाएगा तो आपको 5 बजे तक वो क्या है कि परेशान करके रखेगा, ठीक है, फिर भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं, क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा आपको, टाइमिंग ही वैसा है, लेकिन जो अच्छे होते हैं वो शाम को काम नहीं करवाते हैं। प्लस में आपका अगर जेई अच्छा होगा जूनियर इंजीनियर तो वो भी आपका जो है अच्छा काम करवाएगा, वो भी बोलेगा कि हाँ ज़्यादा धूप है, लोग इतना काम करवा के छोड़ दो, अगर जो कोई इमरजेंसी होगा तो फिर से बुला लेंगे। ये जो मैटर करता है दोस्तों ये इंसानियत के ऊपर और मानवता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कितना काम करना पड़ेगा, तो नियम तो दोस्तों 5 बजे तक है, लेकिन आपके अगर जो काम करवाने वाले अच्छे मिल जाएंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा तैयारी करने का, और हम लोग को मिल जाता था दोस्तों, इसीलिए क्या है कि तैयारी करते रहें करते रहें और पढ़ के दोस्तों जूनियर इंजीनियर बन गए। तो आप लोग को भी दोस्तों क्या करना है कि टाइम निकाल निकाल के आप लोगों को पढ़ना है, तैयारी करना है, कुछ बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि हमको किसी भी तरह यहाँ से हमको निकलना है और कोई अच्छे पोस्ट पे जाना है। आप CGL में जाइए, रेलवे में ही कोई अच्छे पोस्ट पे जाइए, ठीक है, कहीं भी जाइए, आपको वहाँ से निकलना है, बस इतना आप दिमाग में रखिएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है, और आप निकल भी जाइएगा। तो ये हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपको इसमें रेस्ट कब मिलता है। हफ्ते में टोटल तो आपका 7 दिन काम होता नहीं है, 1 दिन आपको रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि एक वो होता है आपका, मान लीजिए गैंग नंबर 1 है, ये गैंग नंबर 2 है, इसके आगे 3 होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो इसमें दोस्तों क्या है कि गैंग नंबर 1, 3, 5, मान लीजिए गैंग नंबर 1, 3, 5 को संडे का रेस्ट होता है, ठीक है, तो जो 2, 4, 6 वाला का जो रेस्ट होगा आपका वो सैटरडे को होगा। एक ही दिन सभी का रेस्ट नहीं होता है, ये वेरी करता है आपका, ठीक है, तो मेनली आपका सैटरडे संडे ही होता है, कहीं कहीं दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये अपने हिसाब से बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही था, 1 नंबर का और 3 नंबर का और 5 नंबर का
सेम था, संडे को होता, और फिर दो का, चार का, छह का सैटरडे को होता। ये एक साल के लिए होता है। फिर अगला साल क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है। फिर एक तीन पांच वाला का जो है आपका सैटरडे को होगा, और दो चार छह वाला का आपका जो है वो संडे को होगा। एक एक साल पर ये चेंज होता है। तो इसी टाइप से आपका रेस्ट का टाइमिंग होता है। तो आज आपको दोस्तों डिटेल से पता चल गया होगा कि काम आपको कैसे करना है, अगर जो आपको ट्रैकमेंट मिला है तो, प्लस में आपसे काम कैसे करवाया जाता है, आपको बिहेवियर कैसा रखना है, कौन सा काम को अच्छे से करना है, कौन से को अच्छे से नहीं करना है, ठीक है, कौन सा काम को रिक्सी समझ के करना है। फिर दोस्तों क्या है कि आपको टाइमिंग भी पता चल गया होगा, पूरा इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहा हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उस कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों आपको कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस में दोस्तों जल्दी रिप्लाई पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारा जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।